किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ के लिए लिखी गई ये लाइनें मुनव्वर राणा की कलम से निकली हैं। माँ को लेकर मुनव्वर राणा का प्रेम अक्सर उनकी कलम के जरिए देखने को मिलता रहा है। ऐसे में माँ को लेकर अब उनकी जो नई कविता है, आखिर उस पर बवाल क्यों मचा हुआ है? मुनव्वर राणा का माँ के प्रति प्रेम किस प्रकार है, ये तो उन्होंने अपने कई मुशायरों में बता दिया है। लेकिन माँ के प्रति प्रेम से आखिर सियासत क्यों छिड़ गई है? आखिर सोशल मीडिया पर मुनव्वर को लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। जहां से मुझे शेर याद आ रहे हैं, थोड़ी सी मतलब मैं नई गजलें भी पढ़ना चाहता हूं, तो अगर मैं कहीं, मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी एक आज मेरी एक किताब की यहां रस्म इजरा हुई, माँ एक किताब जो मैंने बहुत शेर मैंने माँ पर कहे, आप ही लोगों की तरबियत में सीखा बोलना, बहरहाल मैं शेर अर्ज कर रहा हूं। एक मतला ये अर्ज किया है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बहुत अच्छा है, वाह। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। एक मतलब और एक शेर ये अर्थ किया है कि मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। शेर ये अर्थ किया है कि मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, क्या कहने बाबा। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक मतला ये अर्थ किया है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या कहने, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। जरा क्या कहने, वाह वाह वाह, लेकिन हवा को कौन समझाए, क्या कहने, वाह वाह वाह, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। माँ, एक माँ के लिए अपनी औलाद हमेशा उस नन्हे बच्चे की तरह ही होती है जिसे उसने बड़ी ही ममता से पाला है। वो कभी अपनी औलाद से रूठती नहीं, वो कभी अपनी औलाद को पुचकारने में हिचकिचाती नहीं, और इसी तरह का एक दुलार देखने को मिला है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी माँ के बीच, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन तस्वीर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म का घमासान छिड़ गया है। दरअसल सीएम योगी की इस तस्वीर पर विख्यात शायर मुनव्वर राणा ने ये एक शेर लिख दिया और सीएम की तस्वीर के साथ ट्वीट कर दिया। शायरी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए लिख दी। जी हाँ, आपने सही सुना, मुनव्वर राणा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के अपनी माताजी से मुलाकात की तस्वीरों के साथ इस शायरी को लिखकर बड़ा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान योगी के दोबारा सीएम बनने पर यूपी छोड़ने के बयानों से खासे चर्चित में रहे मुनव्वर राणा की इस शायरी के अलग मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 3 मई को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गए,
इसी दिन उन्होंने अपने गांव पंचूर में पहुंचकर माँ से मुलाकात की। माँ से मिलते अपनी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की तो वो वायरल हो गई। इसी तस्वीर के आधार पर मुनव्वर राना ने अपनी शायरी की रचना की है। माँ को लेकर मुनव्वर राना के शेर खासे चर्चित रहे हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, जैसी माँ को अमर कर देने वाली शायरी के रचयिता का योगी की माँ से मुलाकात पर यह शेर अब इंटरनेट पर खासा वायरल हो गया है। चुनाव के समय में दिखा था अलग रूप। सौ में छवि के मुनव्वर राना ने यूपी चुनाव 2022 के दौरान योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे यूपी छोड़ देंगे। मुनव्वर राना ने कहा था कि अपनी मिट्टी को छोड़ना दुख तो देगा, लेकिन जब घोंसला खतरे में हो तो चिड़िया भी अपना आशियाना छोड़ देती है। सत्ता के लोग फरिश्ता बनकर अब निकल पड़े हैं, उनको याद नहीं कि जात पात के नाम पर क्या जातियां हुई हैं। कोरोना में कितने लोग मरे, कितने लोग पैदल गुजरते मर गए, सब भुला दिया गया। इस चुनाव सबका हिसाब होगा। हालांकि यूपी चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध ली थी। ट्वीट पर दी अपनी सफाई। मुनव्वर राना का सीएम योगी आदित्यनाथ पर ट्वीट आते ही वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बेहतरीन शायरी के लिए बधाई देते दिखे। वहीं ट्रोलरों ने भी जमकर सवाल किए, तो इस पर मुनव्वर राना ने सफाई देते हुए कहा कि जो माँ से प्रेम करता है वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है और मेरे दिल में उसकी एक अलग जगह होती है। नहीं, असल में आदमी की ये हर शब्द जाता है जो कि सुबह अच्छी हो, ज्वार को दिन अच्छा गुजरे। तो आज सवेरे सवेरे उठते मैंने देखा योगी जी अपनी माँ से मिलने गए, उनके पास छू रहे हैं, उनके आंचल के नीचे खड़े हुए। तो जाहिर बात है, हमने हमारी पूरी जिंदगी की इबादत ये है कि मैंने माँ से मोहब्बत की और मुझे माँ से मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। तो ये पता नहीं ये मेरी कमजोरी है या मेरा नशा है या मेरा इश्क है, जो भी अपनी माँ से मोहब्बत करता है वो कहीं ना कहीं से दिल के कोने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़ा लगता है। पहले तो मेरी माँ को माँ नहीं है, तो जिसके पास भी माँ मौजूद है वो अपनी माँ से जाकर मिलता है। इसी बहाने मैं अपनी माँ को याद कर लेता हूँ। योगी जी को मैंने किसी मुलाकात में अपनी किताब माँ दी थी, शायद उन्होंने पढ़ी हो और उनको देखा क्या माता याद आई, ये माता के चंदों में से सारी जन्नत में तो उसकी माँ के नीचे हम दुनिया में खुश हो गए। बल्कि एक शेर हमारा और भी है, वो भी योगी जी के लिए है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, छाया गोद में माँ ने सबा छुआ। माँ के प्रति मुनव्वर राना का प्रेम ये आज का नहीं बरसों पुराना है, पर सीएम योगी के साथ रही तलखियाँ शायद अब इस ट्वीट के बाद मिटती नजर आ रही हैं। जायरा भले ही माँ का आंचल रहा हो पर तलखियाँ एक तरफ से मिटती नजर तो आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर सीएम योगी का रुख क्या होगा। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।